दोस्तों, किसी नगर में दो मित्र रहते थे। उन दोनों मित्रों में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी और उन दोनों का कपड़े का व्यापार था। वे दोनों कपड़े की पोटली लाद करके गली गली में जाकर के कपड़ों को बेचा करते थे। सर्दियों का मौसम था और वे गांव गांव जाकर के कपड़े बेच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया बैठी है जो जाड़े के मारे कांप रही है। उसकी स्थिति को देख करके सेवाराम के हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा और उन्होंने अपनी पोटली को खोला और पोटली से एक कंबल निकाल करके उस बुढ़िया को ओढ़ा दिया और कहा कि हे बूढ़ी माई, तुम ठंड से कांप रही हो, तुम्हें बहुत अधिक जाड़ा लग रहा है, इसलिए यह कंबल लो और इसे ओढ़ लो। बूढ़ी माई जब कंबल पाई तो बहुत खुश हो गई और प्रसन्न होकर के बहुत सा आशीर्वाद सेवाराम को देने लगी। उसने कहा कि सेवाराम, मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम थोड़ी देर तक यहीं ठहर जाओ। उस बुढ़िया की बात को सुनकर के सेवाराम कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया। वह बुढ़िया अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई और तभी उसके हाथ में एक बहुत सुंदर सी छोटी सी एक ठाकुर जी की मूर्ति थी जो ला करके उसने सेवाराम को दे दिया और कहने लगी कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसे तो है नहीं, लेकिन यह ठाकुर जी हैं, इनको तुम अपनी दुकान पर जाकर के लगा देना और इनकी खूब सेवा करना, देखना कि तुम्हारी दिनों दिन तरक्की होगी और इनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह मेरी तरफ से भी आशीर्वाद है कि तुम्हारे जैसे सच्चे व्यक्ति के मन में, जिसके हृदय में दया है, उसका भगवान जरूर साथ देंगे। मोतीराम बुढ़िया के पास पहुंचे और कहने लगे कि अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम झूठी तसल्ली तो मत दो। हमारे पास कोई दुकान वगैरह नहीं है, हम इसको कहां लगाएंगे, इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन जो सेवाराम था वह बहुत ही नेक दिल का व्यक्ति था, उसके मन में बड़ा ही प्रेम था, दूसरों के प्रति बड़ी ही दया थी और ठाकुर जी को मानने वाला भी वह था। वह कहने लगा कि नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो आप मुझे इस मूर्ति को ही दे दो, पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत करना, कोई बात नहीं है, पैसे नहीं है तो यह मूर्ति ही मैं ले लेता हूँ। सेवाराम ने बड़ी ही जल्दी से गले में पड़े हुए पुराने कपड़े से ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर के वहां से चल पड़े। बुढ़िया दूर तक उनको देखती रही और आशीर्वाद दे रही थी। वह कह रही थी कि भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे और तुम्हारे व्यापार में दिनों दिन बरकत करते रहेंगे। इस तरह से वह आशीर्वाद देती रही जब तक कि वह दोनों उनकी आंखों से ओझल न हो गए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। अब धीरे धीरे दोनों की कमाई अधिक होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद लिया था और साइकिल पर भगवान को आगे एक टोकरी में रख करके टांग लेते और पोटली में पीछे रख करके अपने कपड़ों को बांध लेते। इसी तरह से जब वे नगर में भ्रमण करते तो उनकी ज्यादा बिक्री होने लगी। उस ज्यादा जब बिक्री होने लगी तो उनके पास अच्छा पैसा हो गया और उन्होंने एक दुकान को किराए पर ले लिया और वहीं पर ठाकुर जी की उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सा आसन बनवा करके शुभ मुहूर्त निकाल करके उन्हें उस दुकान में रख दिया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की बड़ी बड़ी मिलें हो गई थी। एक दिन की बात है कि मोतीलाल सेवाराम से कहता है कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, यह हम दोनों की मेहनत का ही फल है, क्योंकि हम दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सेवाराम कहने लगा कि नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी की भी कृपा है, क्योंकि मेहनत तो हम बहुत दिन से करते आ रहे थे, लेकिन हमारी किस्मत तो तभी बदली जब ठाकुर जी की इस मूर्ति को हमने पाया। और अपने काम में इस तरह से बातें करते हुए वे दोनों लग गए। एक दिन की बात है कि सेवाराम की कुछ तबीयत खराब हो गई, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल कहने लगा कि अरे दोस्त, आज तुम बहुत देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल भी गुजारा नहीं होता है, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। सेवाराम हंस करके कहने लगा कि अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमारे जो ठाकुर जी हैं उन्हें तो मैं देखने के लिए रोज आता हूँ, और यदि मैं नहीं रहूंगा तो ये ठाकुर जी हैं यही सब संभाल लेंगे। इतना कह करके सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया था।
अब दोनों ही महल नुमा घर में रहने लगे थे। बड़ी आलीशान हवेली थी और उनके दोनों के बच्चों को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के भी दो लड़के थे, दोनों की शादी कर दी थी। और मोतीलाल का एक लड़का था और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी और अपनी लड़की की शादी करना था उसको। थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण सेवाराम अब दुकान पर कुछ दिनों से थोड़ी देर से ही आने लगा था। एक दिन वह मोतीलाल से कहने लगा कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा कि हाँ भैया, तुम जरूर देर से चले आओ, लेकिन आया जरूर करो, क्योंकि बिना तुम्हारे हमारा इस दुकान पर एक पल भी मन नहीं लगता। इस तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन की बात है कि सेवाराम बड़ी ही देर में दोपहर में करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वह आकर के गद्दी पर बैठ गया और मोतीलाल ने कहा कि भैया आज तो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा कि भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से बस मैं केवल इतनी ही देर में आया करूंगा, क्योंकि मुझे आते आते बड़ी देर हो जाती है, तबीयत कुछ ठीक रहती नहीं है, इसलिए आने में मुझे विलंब होगा और मैं पहले चला भी जाया करूंगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा कोई बात नहीं है, जिस तरह से तुम्हारी इच्छा हो वैसे ही तुम कर सकते हो। अब तो सेवाराम रोज उसी समय पर दुकान को आता और अपने बताए हुए समय पर वह शाम को जल्दी घर को अपने वापस चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी भी बीमार है। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह जो उसका दोस्त है वह कभी उसे झूठ नहीं बोल सकता है और मेहनत करने से वह कभी भी पीछे नहीं हट सकता है। दोस्तों, एक दिन की बात है कि मोतीलाल की बेटी की शादी तय हो गई। वह शादी का निमंत्रण कार्ड देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर के उसको उसके बहू और बेटा, सेवाराम की पत्नी सब तो नजर आ रहे थे, लेकिन सेवाराम उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेवाराम को जब उसने नहीं देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा कि भाभी, सेवाराम जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्या वे कहीं चले गए हैं? उसकी पत्नी एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी कि क्या आप कह रहे हैं। तभी वहां उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे कि काका जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, या हमारे साथ तुम कैसा मजाक कर रहे हो, इस तरह का मजाक आपको तो नहीं करना चाहिए। मोतीलाल उनकी बात सुनकर के कहने लगा कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो मैंने अपने प्रिय दोस्त के बारे में, ऐसा कौन सी बात मैंने कह दी को जो तुम लोगों को वह प्रिय नहीं है? बताइए क्या बात है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है क्या? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद जाकर के उससे मिल करके आता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको वहां भी नजर नहीं आया। तभी अचानक से उसकी नजर उसके कमरे में सेवाराम की फोटो पर पड़ गई। वह एकदम से हैरान हो गया और सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता हुआ कहने लगा कि अरे भाभी जी, यह क्या आपने सेवाराम की तस्वीर पर फूलों का हार क्यों चढ़ाया हुआ है? सेवाराम की पत्नी की आंखों में आंसू थे और वह आंसू भर करके बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को उसकी बात सुन करके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहती है। तभी सेवाराम का बेटा कहने लगा कि हे काका जी, आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे हुए करीब 8 महीने हो चुके हैं। मोतीलाल को तो ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बिजली का झटका लगा दिया हो। वह एकदम से थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हर रोज वह तो दुकान पर आता है, बीमार होने के कारण वह देर से आता है और शाम को जल्दी ही चला जाता है, आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? उसकी पत्नी कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता न हो, आप ही तो हर महीने उसके हिस्से का मुनाफा हमारे घर दे करके जाते हैं, 8 महीने से तो आप हमें दुगुना मुनाफा दे करके जा रहे हो। मोतीलाल को तो अब उसका सर चकरा गया था। वह सोच रहा था यह मैं क्या सुन रहा हूँ। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 8 महीने हो गए, क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की कही बात याद आ गई कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरि हैं, ना मेरे ठाकुर जी हैं, वह आएंगे। मोतीलाल को जब यह बात याद आई तो वह जोर जोर से बिलखने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान सम्मान रखते हैं, हे ठाकुर जी, आप अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, उनका कितना मान सम्मान करते हैं, जो कि अपने विश्राम के समय भी मंदिर के पट
जब बंद होते हैं और जब शाम को खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए ही मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर के बैठते थे और अपने भक्त के लिए काम करते थे। इतना कह करके वह फूट फूट करके रोने लगा और कहने लगा कि ठाकुर जी, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। मैं सारी जिंदगी नोट गिनने में मैंने लगा दिया। असली भक्ति तो सेवाराम की थी, आपका वह प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप स्वयं उसका काम कर रहे हैं, और उसके हिस्से का जो भी नफा मुनाफा होता है वह भी उसके घर मेरे रूप में आप आकर के पहुंचा रहे हैं। इतना कह करके वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर जहां पर ठाकुर जी जिस गद्दी पर जाकर के बैठते थे, जहां पर वह अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर के गद्दी को अपनी आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लोटता हुआ वह रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे हैं, सेवा राम को उन पर विश्वास था कि मैं न रहूंगा तो हमारे ठाकुर जी रहेंगे और वही जो भी मेरा काम है वह सब मेरा काम करेंगे। इतना विश्वास था उसे। हे प्रभु, आपने उसके विश्वास को सत्य कर दिया। आपने अपने भक्त की लाज रख लिया और मुझे आज तक पता भी नहीं होने दिया कि मेरा मित्र बीमार था। दोस्तों, ठाकुर जी की ऐसी कृपा की कहानी आपको कैसी लगी है? यदि आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।